तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की. मैनी एपो मेकिंग मैथमेटिकल डिस्कवरीज वेर कंसिडरेड टू बी मेड इन इंडिया थ्रू विच कंटेम्प्ररी ग्लोबल अफेयर्स आर कैरिड आउट. आज की दुनिया जो भी व्यवहार करती है जो गणित को लेकर, जिसमें जो मैथमेटिक्स का प्रयोग होता है, वो उसमें से कई सारी मैथमेटिकल डिस्कवरीज, गणित की जो भी शोध थी, वो प्राचीन भारत में हुई थी. द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो. और अगर भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन करें, भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें, तो ज़ीरो का कॉन्ट्रीब्यूशन ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. उसके अलावा डेसिमल सिस्टम, एल्जिब्रा, थियरम ऑफ बोधायम, जियोमेट्री, एरिथमेटिक, ये सारी जो डिस्कवरीज थी मैथमेटिक्स में, वो भारत की ओर से दुनिया को मिली है. आर्यभट्टा डिस्कवर्ड ज़ीरो. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ज़ीरो आफ्टर फिगर वॉज डिस्कवर्ड बाई द सेज नेम ग्रुस्मत. आर्यभट्टा ने ज़ीरो को डिस्कवर किया और एक के पीछे ज़ीरो लिखने की प्रोसेस थी वो एक संत ग्रुत्समद ने इवेंट की थी. द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 जीरोस आफ्टर वन. प्राचीन भारत के गणित शास्त्री थे, वो एक के पीछे 53 जीरो लगाकर उस सब की वैल्यूज कर सकते थे. डेसिमल सिस्टम्स हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच हैड बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. हरप्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से हमें उसके जो मेजरिंग एंड वेइंग मशीन है उसमें से हमें डेसिमल सिस्टम का भी पता चलता है. भास्कराचार्य हैज़ रिटन बुक्स लीलावती गणित एंड बीज गणित इन 1150 AD. भास्कराचार्य ने लीलावती गणित और बीज गणित नाम की पुस्तकें लिखी थी 1150 में. ही डिस्कवर्स साइंस ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस. उसने प्लस और माइनस की साइंस इन्वेंट की थी. ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. ब्रह्मगुप्ता ने अलग अलग इक्वेशंस के बारे में लिखा था. बोधायन डिस्कवर थियरम. बोधायन ने थियरम को डिस्कवर किया था. अपस्तंभा हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट्स ऑफ सेक्रीफिशियल पीट्स यूज फॉर वैदिक यज्ञास इन शुल्व शास्त्र. अपस्तंभा नाम के ऋषि ने शुल्व शास्त्र में यज्ञ में उपयोग में लिए जाने वाले जो यज्ञ वेदी होती है, जिसमें हम हवन करते हैं, तो उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, उसके बारे में उसने लिखा था. इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स. उसने ये सारे सिद्धांत को भी एनालिसिस किया था. आर्यभट्टा हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14 इन हिज बुक आर्यभट्टियम. आर्यभट्टा ने पाई की जो मूल्य थी 22/7 या 3.14 अपनी आर्यभट्टियम नाम की बुक में लिखी थी. ही ऑल्सो प्रोनाउंड दैट द पाई इज कॉन्स्टेंट टू शो द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रांसिस एंड डायामीटर ऑफ सर्कल. और उसने कहा था कि जो पाई की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहती है, वो सर्कल के सर्कमफ्रांसिस के लिए भी और उसके डायामीटर के लिए भी. मल्टीप्लीकेशंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एट्सेट्रा. अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस बाय आर्यभट्टा इन हिज वर्क. उसके अलावा भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जैसी अष्टांग, ऐसी आठ मेथड थी वो आर्यभट्टा ने अपने वर्क में इंट्रोड्यूस की थी. हैंस आर्यभट्टा इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. और इसके लिए ही आर्यभट्ट को गणित शास्त्र के पिता कहा जाता है. मोर ओवर ही हैड रिटन मैनी अदर बुक्स लाइक दशगीतिका एंड आर्यभट्टियम. उसके अलावा भी उसने कई सारी बुक लिखी थी, जैसे कि दशगीतिका और आर्यभट्टियम. ही हैज डिस्क्राइब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन शॉर्ट इन हिज बुक नेम आर्य सिद्धांत. उसके अलावा भी उसने ज्योतिष के लिए कुछ सिद्धांत लिखे थे अपनी बुक में आर्य सिद्धांता में. ही फाउंडेड द सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक्स एंड
जियोमेट्री। उसने मैथमेटिक्स में जो फंडामेंटल्स थे, जो मैथमेटिक्स के, एरिथमेटिक के और जियोमेट्री के, उसके सॉल्यूशन भी उसने फाउंड किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन देयर बुक्स। उसके अलावा भी कई सारे गणितज्ञों ने अपने अपने बुक में मैथमेटिक्स के कई सारे एस्पेक्ट की चर्चा की है। अमॉन्ग देम द स्कॉलर्स लाइक बोधायन, अपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता आर इंक्लूडेड। तो हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के अलावा भी बोधायन, अपस्तंभा, कात्यायन, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्ता ये वेल नोन मैथमेटिशियंस थे हमारे प्राचीन भारत के। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो इस दो वर्ड्स के बीच में जो भेद है, जो डिफरेंस है, वो समझ लें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्सअप कर लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी है जिसको हम कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान मतलब आकाश के जो तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी है उसको हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, मतलब इस ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जो भी प्रिडिक्शंस, जो आगाही की जाती है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। वैसे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी डीपली कनेक्टेड है, इसलिए इसको हमें अलग अलग तरीके से समझना बहुत ही आवश्यक है। एस्ट्रोनॉमी इज़ द मोस्ट एंशियंट साइंस। जो एस्ट्रोनॉमी है वो सबसे प्राचीन साइंस है। मैनी वर्क्स, ग्रंथा रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। एस्ट्रोनॉमी के बारे में भारत में कई सारे ग्रंथ लिखे गए। एन ऑर्गेनाइज एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी वॉज मेड बाई इंडियन एंशियंट यूनिवर्सिटी। और एस्ट्रोनॉमी के आधार पर एक प्रॉपर स्टडी, एक डीप स्टडी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी भारत की कई सारी प्राचीन यूनिवर्सिटी में की गई। प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉन्स्टेलेशंस एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वेर यूज फॉर द कैलकुलेशंस थ्रू विच द एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वेर डेवलप रिमार्केबली। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के डेवलप के पीछे प्लैनेट्स और देयर मूवमेंट्स, मतलब ग्रहों और उसकी गति, उसके अलावा नक्षत्रों और उस सारे अवकाशी, जो और भी अवकाशी पदार्थ है, उसके बारे में एक सटीक गणना और उसकी मूवमेंट्स की स्टडी है, उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में हमने काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास हासिल किया है। प्रेडिक्शंस वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स। और ये सारे जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसकी जो मूवमेंट, उसकी गति है, उसके आधार पर प्रिडिक्शंस, मतलब एक भविष्यवाणी, आगाही की जाती है। आर्यभट्टा मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आर्यभट्टा ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज नेम्ड आर्यभट्टा ऑन हिज नेम। इसीलिए 1975 में जब इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया, आर्यभट्ट के नाम। डिक्लेयर्ड दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजंस फॉर ल्यूनर एक्लिप्स इज द शेडो ऑफ द अर्थ। उसने ये साबित किया कि जो पृथ्वी है वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर घूमती है, और ल्यूनर एक्लिप्स होने के पीछे, चंद्र ग्रहण के पीछे जो मुख्य वजह है वो धरती का शेडो है, विच वॉज एड्रेस एज अ अजराभर बाई द स्कॉलर। और जो बाकी जो विद्वान है इसको अजराभर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता पॉपुलराइज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। आर्यभट्ट की तरह ही ब्रह्मगुप्ता भी एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर थे। उसने भी अपनी जो बुक है ब्रह्म सिद्धांत, उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में लिखा है। वराहमिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, वो डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू थ्री सेक्शंस।
तंत्रा, होरा एंड संहिता। वराहमिहिर एक एस्ट्रोलॉजर भी थे और एक बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। उसने एस्ट्रोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तंत्र, होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम बृहत संहिता गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैंस फ्यूचर, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, द टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन, गुड ओमेन फॉर शोइंग। तो उसने अपनी बुक बृहत संहिता में लिखा है कि ग्रहों की जो गति है उसकी इफेक्ट मानवी के फ्यूचर के ऊपर, उसके लक्षणों के ऊपर, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के ऊपर, मैरिज के समय के ऊपर, मुहूर्त के ऊपर, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स और शुकन अपशुकन के ऊपर होती है। वी शुड फील प्राइड दैट अवर एंसेस्टर्स वेयर एक्सपर्ट्स इन द वेरियस साइंस। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो हर तरीके के साइंस में एक्सपर्ट थे। नाउ वी शुड टॉक अबाउट वास्तुशास्त्र। तो अब हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे। देयर इज एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में भारत ने सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखो, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर द डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन। मतलब एक दूसरे से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बींग रिकग्नाइज, डिग्निफाइड एंड प्रेज बाई द मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज भारत के वास्तुशास्त्र को दुनिया के कई देशों ने देखा है, जाना है और उसका लोहा भी माना है। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। तो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र के फील्ड में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग, टेम्पल, पैलेस, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस, एम्यूनिएशंस एंड द टाउन प्लानिंग। वास्तुशास्त्र के अंदर कंस्ट्रक्शन के बारे में सूचना दी जाती है और ऐसा कंस्ट्रक्शन रेसिडेंस का भी हो सकता है, टेम्पल, पैलेस, अश्वशाला, फोर्ट, स्टोर हाउस, एम्यूनिएशंस, टाउन प्लानिंग। इस सब की रचना कैसे करें, इस सब का कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेनी है, किस किस चीज़ों को हमें अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे प्रिंसिपल वास्तुशास्त्र में दिए होते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहत संहिता। वास्तुशास्त्र का पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बृहत संहिता में दिया गया है। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस इन 15th सेंचुरी। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इस वास्तुशास्त्र के जो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था उसको उसने पुनर्जीवित किया, रिवाइव किया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। एक मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा को देवों का पहला स्थपति कहा गया है। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इन टू 8 सेक्शंस। उसने वास्तु को 8 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एट्सेट्रा आर मेंशन। तो वास्तुशास्त्र में कई सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जैसे कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस का चुनाव करना, उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्लानिंग, मंदिर, मंदिर के ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ये सारी जो माहिती है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें मेंशन की जाती है। एज द टाइम पासिस बाय द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वास्तुशास्त्र। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसी तरह से वास्तुशास्त्र के अंदर भी कई सारे प्रिंसिपल के अंदर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी चेंज
आ गए हैं। नाउ इट इज़ बीइंग एडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स, और आज भारत का जो वास्तुशास्त्र है वो विदेशियों ने भी एडॉप्ट कर लिया है। एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, तो भारत प्राचीन भारत का जो साइंटिफिक नॉलेज था वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। इंडियन कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड हेट्रोजीनियस, भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ी है और हेट्रोजीनियस, बहुत ही वैविध्य से भरा है, इसमें बहुत वैरायटी है। इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजियन, आप कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता है वो विज्ञान और धर्म का एक मिश्रण है। ट्रेडिशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें परंपरागत जो सिद्धांत भी है और व्यावहारिक नॉलेज भी है, विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह की ऐसा समन्वय दुनिया की बहुत ही कम ऐसी कल्चर होगी जहाँ पर आपको इस तरह की कल्चर देखने को मिलेगी। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजन इज सीन इन आवर कल्चर, हमारी कल्चर का सबसे मेन अगर हम कहें तो टॉलरेंस एंड इक्वालिटी, हम सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस भी रखते हैं और इक्वालिटी भी रखते हैं, और ये सबसे यूनिक फीचर है हमारे कल्चर का। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजियंस लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज वी सी यूनिटी इन आवर कंट्री, माना कि हमारे देश में धर्म में लाइफस्टाइल में और मूल्यों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एज अ नेशन एज अ कंट्री हम सब एक है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिक फीचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमें ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है वो विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है, और विविधता में एकता यही हमारे कल्चर का मूल मंत्र है, और वो प्राचीन काल से हम इसको प्रदर्शित करते रहे हैं और आज भी ये हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। थैंक यू।